इधर इन रूट्स पे जिन से इवॉल्व सिटी है ये सर कैमरों से मॉनिटर करते हैं सर जैसे ये ड्रोन डिप्लॉय किए गए थे सर दूसरी मरतब है कि आप जो है इस तरह खुले आम आ रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई हो रही है। बगैर प्रोटोकॉल के जब आप आते हैं ना तो सब सर हौसला बढ़ जाते हैं और फिर पुलिस भी पहले से ज्यादा बहादुर हो जाती है। बिल्कुल सर, हमने तो ये जी अमन कमेटी और अमन जिरगी वाले हैं सब, इन्होंने सर हमेशा ताउन किया है। मैं आज इनफेक्ट आया तो मुहर्रम के सिलसिले में था और चूँकि मैंने ये रूट भी देखना था करना था और मेरा ख्वाहिश थी, मैंने अभी डीपीओ साहब और आरपीओ साहब को कहा था कि जब मैं बाज़ार से गुजरा था आप लोगों के मैंने माशाल्लाह बहादुर चेहरे देखे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उतर के आपसे बात करना भी चाहूँगा और आपसे भी जो है वो फीडबैक है तो इसलिए बहादुर लोग भी आपके माशाल्लाह और सर बेहतरीन प्रोग्राम है आपने ड्रोन जो कैमरा भेजा है वो भी खसूसी तौर पे बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे जो बुजुर्ग हैं गुहाट के ये हमारे साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे भाई और इतिहाद बैन मुस्लिमीन और हर प्लेटफार्म इंशाल्लाह ये फिजा बरकरार रखिए। माशाल्लाह मैं अभी इसको कह रहा था मीडिया वालों को भी कि ऑल्दो ये हसास जिला इसलिए डिक्लेयर हुआ हुआ है कि कुछ बदकिस्मती से चंद साल पहले कुछ वाकयात कुछ शर पसंदों की वजह से वो हो गए, लेकिन यहाँ के जो आवाम हैं वो माशाल्लाह बहुत ना सिर्फ दलेर हैं बल्कि समझदार भी हैं और उनको आपस में इकट्ठा रहना आता है। और ये शायद बाय चांस बात है कि मैं जब 2013 में आपके सूबे में आया था तो वो मुहर्रम के करीब था और पहला ज़िला जो था वो कोहाट ही था जहाँ मैं आपके साथ आया और अभी मैं 3 साल के बाद आया हूँ और इस दौरान भी आपके साथ मेरी मुलाकात रही है। आप माशाल्लाह माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला और हिम्मत दे और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे आपका कारोबारों के अंदर और आपकी ज़िंदगियों के भी अंदर, लेकिन जिस किस्म का आप मुजाहरा कर रहे हैं दिलेरी का बुर्दबारी का वदादारी का और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का ये बहुत कमाल है। लेकिन इस सिलसिले में एक मेरा जो मशवरा अब आपके साथ है, पहला मशवरा तो ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ माफ़ कर देता है मास्वाए नाइंसाफ़ी के, शिरक को भी माफ़ नहीं करता और नाइंसाफ़ी के बारे में तो आप हज़रत अली का भी कॉल वो पता है कि माशरे शिरक के साथ चल सकते हैं नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकते। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी अभी इस दौर में जब हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर नहीं है और हमारी पुलिस की पूरी कमिटमेंट है लोगों को इंसाफ देना, अभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो गई तो फिर अगले जान आप भी जवाब दे होंगे, मैं भी जवाब दे होंगा और बाकी तमाम लोग होंगे। अभी हमने आसान तरीका लोगों को इंसाफ के लिए ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल हैं जिसके बहुत सारे दोस्त मेंबरान खुद मौजूद हैं, इसको और इंकरेज करें ताकि हम इसको और फैलाएं। मैं चंद दिनों के बाद जो प्रॉपर DRC का DPO साहब ने वो तैयार किया हुआ है ऑफिस जो है उसके इफ्तिताह के लिए भी मैं आऊँगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। ये लोगों को सर्दी से वक्त और पैसा ज़ाया करने के बजाय आप इधर आएँ, आप जैसे बुज़ुर्गों के पास की मार्फत जो है वो उसका इंसाफ करें और इसके अलावा आपकी कोई मसला मसाइल हो ये DPO साहब और RPO साहब आपके सूबे के बेहतरीन ऑफिसर्स में से हैं और उनको इनके आपके ज़िले के लिए भेजा गया हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरीके के साथ आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरा दिल जो है और खून और बढ़ गया आपकी तारीफ़ों से।